आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं डुगू को रेडी कर चुकी हूँ। डुगू को रेडी करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ खुद रेडी होने। तो कहीं जाने के लिए तैयारी चल रही है। तो कहाँ जाने के लिए तैयारी चल रही है तो मैं बता देती हूँ कि पापा आए हुए हैं, जैसे कि मैं आप सभी को बताई थी कि पापा आए हुए हैं घर, तो किसी काम से मुझे बुला रहे थे वहाँ तमकुई रोड, तो वहीं जाने के लिए तैयारी हो रही थी। वैसे तो एक हफ्ते से बुला रहे थे लेकिन मम्मी जी जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि देवर जी को ना कहीं भी मम्मी दूर नहीं जाने देती हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने पर, मतलब पति देव बोले हैं बहुत ज़्यादा, तब जाके मानिए, नहीं तो कहीं नहीं जाने देती हैं। तो बड़ी मुश्किल से मतलब जा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं नहीं जाऊँगी तो वो काम नहीं हो पाएगा, तो इसी वजह से जाना ज़रूरी था। तो बड़ी मुश्किल से मम्मी जी को मनाया गया है। तो इधर डुगू रेडी हो चुका है, मैं भी साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो गई हूँ, बस हल्का सा मेकअप करना है और बाल बनाना है, यही करना है और कुछ नहीं। और इधर डुगू आ गया जूता लेके कि मम्मी जूता पहना दो, तो मैं कह रही डुगू रुक जाओ दो मिनट, मैं पिनअप कर लेती हूँ, फिर आप सब आपको जूता मैं पहना दूँगी। तो इधर मैं फटाफट पिनअप कर लेती हूँ साड़ी का, और तो पिनअप करने के बाद फिर मैं मेकअप कर लूँगी। और देवर जी अभी दुकान से आए नहीं है, तो जब तक आएंगे तो मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि उन्हें कहीं मन नहीं लगता है। और कॉल करके बोले थे कि भाभी आप रेडी रहिएगा, मैं आ ही रहा हूँ, और वहाँ रुकना नहीं है, बस जाके जो भी काम है वो फटाफट करके आ जाना है शाम तक। मैं बोली ठीक है, रुकेंगे नहीं, जो भी काम है करके आ जाएंगे। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिए, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। ओके, और आज मम्मी जी भी घर पर नहीं है, तो पता नहीं आज कौन सा व्रत उठाई, आज कोई व्रत उठाई है, आज से मतलब 14 साल तक ये व्रत किया जाता है, तो इससे कुछ कटित होता है तो इसलिए उठाई हैं। इतना मेरे को जानकारी नहीं है कौन सा व्रत है, तो ये पता है कि मतलब ये थोड़ी कठिन होता है, और इतना मतलब पहली बार ये नाम मैं सुनी थी। तो वहीं गई हैं मम्मी जी मतलब पूजा करने, देखो कब तक आती हैं। मम्मी जी कह रही थी अगर टाइम लगेगा तो तुम लोग चले जाना तैयार होके, अगर टाइम पे आ जाऊँगी तो कोई बात ही नहीं है। तो मम्मी जी 10 ही बजे चली गई थी सारी तैयारियां करके और पूजा करने, और देखो कब तक आती हैं। जब तक मैं अपना रेडी तो हो गई हूँ, बस कंघा वगैरह करना है, डुगू को शूज़ वगैरह भी पहना दी हूँ, और इधर शैतानी कर रहा है, और इधर इसके चाचा भी आ गए हैं, वो भी रेडी हो रहे हैं। तो कह रहे हैं भाभी आप रेडी हो गई, मैं बोली हाँ, तो कह रहे हैं फिर चलो निकलो, तो बने रहिए। हम जा रहे हैं तो आके गुरु स्थान बता रहे हैं, गुरु स्थान पे ठीक है, अरे बन रहा है मोड़ आएगा उसके बाद तक कोई बैठ गए गाड़ी सही कर लेंगे सब लोग, नीचे सही है नहीं, चलिए
सो फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे को तमकुई रोड का पूरा रास्ता पता है, तो यहाँ से मैं पूरा रास्ता देवर जी को बताई हूँ। अब बस 5 मिनट में अपनी दुकान पर पहुँचने वाले हैं, और पापा जी के पास फ़ोन भी की थी तो पापा कह रहे हैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। और अब अपने दुकान पर भी मैं आ चुकी हूँ, तो थोड़ा पानी वगैरह नाश्ता वगैरह कर रहे हैं हम लोग। फिर दोबारा से डुगू फ़ोन लगवाया है कि पूछो नाना कब तक आएंगे, मेरे को नाना से मिलना है। तो दोबारा मैं फ़ोन लगा के पूछी, तो जैसे ही तुरंत पापा आ गए थे दुकान के पास, तो डुगू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अपने नाना को देख के। कह रहा था मैं नाना के घर जाऊंगा, अब अपने घर नहीं जाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था अपने नाना को, और अंदर बाहर बस खेल रहा है, ना ही अंदर बैठ रहा है आराम से, ना ही बाहर। नाना आ गए, कह रहे चलो नाना के पास। आओ ले चला, रोड पार करा। चलो चलो हम भी चल रहे हैं। आएंगे नहीं? अंदर हो तो ना रोड। तो जैसे कि आप सभी को मैं पहले से बता रखी हूँ कि डुगू का छठ में बाल कटाएगा, कोसी भराएगा, तो उसी के लिए मतलब पापा कुछ खरीद रहे हैं। तो ये आप सभी को मतलब 2 महीने बाद ही पता चलेगा क्या खरीदे हैं पापा डुगू के लिए और क्या नहीं। तो सब्र रखिए, टाइम आने पर आप सभी को पता चल जाएगा, मतलब अभी नहीं बताएंगे, तो ये सरप्राइज़ रहेगा आप सभी के लिए। तो ये देखिए हम लोग खरीद चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं कुछ नाश्ता पानी करने, मतलब तो खाने पीने। तो वैसे तो दुकान वाले पेप्सी लेके आए थे, और पेप्सी पिए हैं, डुगू भी पिया है, सब कोई पिया है। तो जैसे हम लोगों की ख़रीदारी होने के बाद देखिए इतने सारे कस्टमर आ गए थे, दुकान में भीड़ लग गई थी, तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा। तो देवर जी का मन भी नहीं लग रहा था कि कह रहे बार बार पूछे भाभी हो गया चले, भाभी हो गया चले, मैं कह चलिए, इनको ना कहीं मन नहीं लगता है कहीं पे भी। तो फिर अब हम लोग जा रहे हैं होटल कुछ खाने पीने, फिर खा के फिर तुरंत निकल जाएंगे घर के लिए। तो चलिए व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। और इधर रास्ते में डुगू बहुत ज़्यादा रोने लगा था, क्यों रोने लगा था, टॉयस वगैरह देख लिया था, कह तो मेरे को खिलौने चाहिए खिलौने चाहिए, उसी के लिए जिद कर रहा था। तो जैसे जैसे मनाए हैं तो मैं बोली चलो अभी खरीद देंगे बाद में, एक चीज़ के लिए मनाई तो दूसरी चीज़ के लिए मतलब रोने लगा, जिद करने लगा कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगा, मैं नाना के घर ही जाऊँगा, मैं नाना के साथ रहूँगा। तो मैं बोली ठीक है जाओ अकेले जाओ, हम नहीं जाएंगे। कह रहे नहीं आप भी साथ में चलो, तब भी दोनों जने साथ में चलेंगे नाना के घर, अपने घर नहीं जाएंगे। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो देवर जी कह रहे थे, हम कह रहे थे ना डुगू को लेके मत जाइए, बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो देवर जी डुगू को गोदी में लेके मतलब जा रहे हैं, तो फिर भी बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत मनाने पर भी नहीं मान रहा था। तो देखो होटल जा रहे हैं पहले, वहाँ कुछ खा पी लेते हैं, तो उसको मैं मनाऊँगी, मानता है कि नहीं तो पता नहीं। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ही ज़्यादा, बता नहीं सकती हूँ कितना ज़िद्दी है। तो पापा इधर आगे आगे चल रहे हैं, और देवर जी भी, और मैं सबसे पीछे पीछे चल रही हूँ। और मैं बोली अच्छे होटल में ले चलिएगा पापा, तो वही देख रहे हैं कि कौन से होटल में जाएँ। और आज पता है बहुत ज़्यादा दुकानें बंद है, शायद संडे को दुकानें बंद रहती है, संडे या मंडे को, तो शायद संडे था, हाँ संडे को मैं गई थी। और ये जा रहा है व्लॉग मंगलवार को, तो थोड़ा लेट हो गया। तो ये देखिए होटल में पहुँच के फिर आप सभी से मिलते हैं कंटिन्यू। बंद कर देंगे।
तीन हाफ 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 खाएंगे थोड़ा खाएंगे हाफ ही लगाओ हाफ हाफ लगाओ अरे आप दोनों फूल ले लीजिए मेरे लिए हाथ लगवा दीजिए मेरा फूल लगाइए पापा एक फूल हाँ दोनों फूल करवा लीजिए अलग से रहेगा अलग से अब क्या कहो तला बेटा क्या खाओगे कहा नमकीन खाओगे नाना कर जाओगे नाना चलेंगे अभी खरीद देंगे खिलौना खिलौना इतना ही तो फिर इसका रोना धोना शुरू हो गया कभी किसी चीज़ के लिए रो रहा है कभी किसी के लिए रो रहा है इतना जिद कर रहा है तो इसके चाचा मनाने में लगे हैं तो लेकिन मानने वाला कहाँ है ये जिद के मारे कुछ खाया भी नहीं कह रहे हम कुछ नहीं खाएंगे मुझे टॉयस चाहिए तो चाहिए इतना रो रहा है बहुत ही ज़्यादा तो थोड़ा बहुत हम लोग खाए और तुरंत निकल गए इसके टॉयस खरीदने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था किसी को खाने ही नहीं दे रहा था अपने चाचा को तो और ज़्यादा कुछ नहीं करने दे रहा था और इधर मेरा गर्मी से ना पूरा मेकअप मतलब जो आईलाइनर लगाई थी ना आईज पर तो पूरा ब्लैक ब्लैक आईज हो गया था तो पूरा मैं हैंकी से पूरा अच्छे से साफ़ करी क्योंकि पूरा ब्लैक ब्लैक गंदा सा दिख रहा था ऊपर से काजल भी पूरा नीचे तक फैल गया था इतना गर्मी था आज इतना बहुत ही ज़्यादा तो साफ़ वाफ करके फिर हम लोग तुरंत पैसे मतलब दुकान वाले को पापा दे दिए थे और फिर हम लोग तुरंत चले गए टॉयज वाले दुकान पर और अपने में दिखा देखो देखो हवा चलता है देखो चेक करा वहाँ पे रुकी नहीं रहा था रो रहा था बहुत ज्यादा दूसरा का था गाड़ी में बैठी वहाँ ठीक है और बस बस पीला था तो नेटवर्क नहीं था नेटवर्क नहीं था तो एक टॉयज खरीदवाया और टोपी तो रास्ते में आ रहे थे तो इसकी टोपी हवा में उड़ गई थी तो अपने नाना से भी एक टोपी भी खरीदवाया है जो पहन रखा है येलो कलर का टोपी और चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे प्यार दुलार ऐसे ही